जय हिंद बच्चों, आज हम क्षेत्र मिति में गोली बेलन और आयतन के शंकु के आयतन के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि बिलन का आयतन, गोले का आयतन, शंकु के आयतन के संबंध में। अब हम इनके आयतन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे खोखले बिलन, गोली कोष, इन सब के आयतनों के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नवली 8.4 का आगे का प्रश्न और लेता हूँ। इसके पूर्व आपको ज्ञात है कि गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर त्रिघात होता है। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर वर्ग एच। इसी प्रकार शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर वर्ग एच। गोली कोष का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई कोष्टक में R1 त्रिघात माइनस R2 त्रिघात। तो इनके आयतनों के संबंध में हमने पूर्व में कुछ सवाल हल किए हैं। इनसे संबंधित प्रश्न और हल करेंगे। तो अगला प्रश्न लेता हूं मैं। 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23। एक खोखले गोली खोल की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि इसे ढालकर 8.3 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन में परिवर्तित किया गया हो तो बेलन का व्यास ज्ञात करो। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं मैं। एक खोखले गोली खोल की आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि इसे ढालकर 8/3 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन में परिवर्तित किया गया हो तो बेलन का व्यास ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में दिया है गोली खोल बराबर होता है गोली कोष। तो गोली खोल के आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दिया है और बेलन की ऊंचाई दिया है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से फिर व्यास ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में दिया है, प्रश्न क्रमांक 23 है, मान लो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है, दिया है गोली खोल की आंतरिक त्रिज्या, गोली खोल की आंतरिक त्रिज्या R2
आर टू व बाह्य त्रिज्या आर वन है, आर टू और बाह्य त्रिज्या आर वन। तो आर वन बराबर 5 सेंटीमीटर, आर टू बराबर 3 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई एच बराबर 8/3 सेंटीमीटर। तो ये तीन मान है जो प्रश्न में दिया है। गोली खोल की आंतरिक त्रिज्या आर टू, बाह्य त्रिज्या आर वन। तो आर वन बराबर 5 सेंटीमीटर, आर टू बराबर 3 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई एच बराबर दिया है 8/3 सेंटीमीटर। अब गोली खोल को ढाल कर बेलन बनाया गया है और बेलन की ऊंचाई दिया है और हमको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्योंकि गोली खोल को ढाल कर बेलन बनाया गया है तो गोली खोल के आयतन बराबर बेलन का आयतन या बेलन के आयतन बराबर गोली खोल का आयतन होगा। क्योंकि गोली खोल को ढाल कर बेलन बनाया गया है गोली खोल को ढाल कर बेलन बनाया गया है इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोली खोल का आयतन। इस प्रकार प्रश्न में दिया है गोली खोल को ढाल कर बेलन बनाया गया है तो गोली खोल का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोली खोल का आयतन। फिर सूत्र रखते हैं बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर वर्ग एच बराबर गोली खोल का आयतन है 4/3 पाई कोष्ठक में आर वन त्रिघात माइनस आर टू का त्रिघात। इस प्रकार बेलन के आयतन का सूत्र बराबर गोली खोल का आयतन का सूत्र मान रखे। आगे हल करते हैं तो आर वर्ग एच बराबर 4/3 आर वन त्रिघात माइनस आर टू का त्रिघात। इस प्रकार के मान प्राप्त होगा। और आगे हल करते हैं सूत्र जो प्राप्त हुआ है उसमें
बाएं तरफ एच का मान रखेंगे और दाहिने तरफ में आर वन त्रिघात माइनस आर टू त्रिघात दिया है, तो ये हम इनका मान रखेंगे। तो आर टू गुणित आर टू का वर्ग गुणित एच का मान है 8/3 बराबर 4/3। पुस्तक में आर वन का मान है 5, तो आर वन का त्रिघात इसलिए 5 का त्रिघात माइनस आर टू का मान है 3, तो आर टू का मान 3 है, तो आर टू का त्रिघात है इसलिए 3 का त्रिघात होगा। इस प्रकार हम ये मान आगे हल करते हैं। और तो आर वर्ग बराबर हम प्राप्त होगा 4/8। पांच का त्रिघात है तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर 5 का त्रिघात है मतलब यहाँ पर 5 × 5 × 5, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 माइनस 3 का त्रिघात इसलिए 3 × 3 × 3 ये मान प्राप्त होता है। आगे हल करेंगे इस प्रकार ये मान प्राप्त हुआ है। इसको आगे हल करते हैं। तो आर वर्ग बराबर 1/2 5 × 5 बराबर होता है 125 माइनस 3 × 3 बार गुणा करने पर हमको ये 27 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आर वर्ग बराबर 1/2 कोष्टक में 125 माइनस 27। आगे हल करेंगे तो 1/2 125 में 27 घटाने पर हमको 98 प्राप्त होता है। फिर आगे कोष्टक को खोलते हैं, 1/2 × 98 को कटाने पर हमको ये 49 प्राप्त होता है। तो आर वर्ग बराबर 49, तो आर बराबर 49 का वर्गमूल, तो आर बराबर 7। इस प्रकार आर बराबर हमको 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये हमको बेलन का त्रिज्य प्राप्त हो गया है 7 सेंटीमीटर। जब बेलन की त्रिज्य ज्ञात हो तो हम इसके व्यास को भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। तो इस सूत्र में मान रखते हैं व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। तो 2 × त्रिज्या का मान 7 है। आगे हल करेंगे तो ये 14। तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये उत्तर है। तो यहाँ पर एक गोली खोल को पिघलाकर बेलन बनाया गया है और बेलन की ऊंचाई एज बराबर 8/3 सेंटीमीटर हमको दिया है। तो त्रिज्या बराबर हम
7 सेंटीमीटर ज्ञात किए और इस प्रकार बेलन का व्यास बराबर हमको 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं इसी में से, प्रश्न क्रमांक 24 है। एक गोलाकार तोप गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक लंब वृत्ति शंकु में ढाला गया है जिसके आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके पूर्व हमने हल किया है, एक गोली कोष को बेलन के रूप में परिवर्तित करके बेलन की त्रिज्या और व्यास ज्ञात किए हैं। प्रश्न क्रमांक 24 में है, एक गोलाकार तोप गोले का व्यास, अब इसको पिघलाकर शंकु बनाया गया है और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, और शंकु की व्यास दिया है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 24 में दिया है। क्रमांक 24, मान लो शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, दिया है शंकु की ऊंचाई को ज्ञात करना है, उसको मान लिए, मान लो शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न में दिया है गोलाकार ठोस गोले का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर, तो दिया है गोलाकार ठोस गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार गोलाकार ठोस गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर दिया है, तो 2R, R अगर गोले का त्रिज्या है तो व्यास बराबर 2R होगा, और 2R बराबर 28 सेंटीमीटर, तो R बराबर 28/2। इस प्रकार R बराबर हमको 14 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, 14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार शंकु का व्यास 2R बराबर 35 सेंटीमीटर, दिया है, तो R बराबर हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको शंकु की त्रिज्या
त्रिज्या स्मॉल आर, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 35/2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा और गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर तो गोले की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। आगे हल करते हैं। प्रश्न अनुसार शंकु का आयतन बराबर, प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर टोप के गोले का आयतन, गोले का आयतन सूत्र रखते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 πr² h बराबर गोले का आयतन है 4/3 πr³। तो इस प्रकार 1/3 πr² h तो ये स्मॉल r शंकु की त्रिज्या है, h शंकु की ऊंचाई है, कैपिटल r गोले की त्रिज्या है। आगे हल करते हैं तो r वर्ग h बराबर होगा 4/3 r³। ये पाई और पाई कट जाएंगे। r का मान शंकु की त्रिज्या, r का मान 35/2 प्राप्त है तो 35/2 का वर्ग गुणित h बराबर 4/3 गुणित कैपिटल r गोले का त्रिज्या, r बराबर हमको 14 सेंटीमीटर प्राप्त है तो 14³। इस प्रकार आगे हल करते हैं, हमको मिलेगा 35/2 × 35/2। 35/2 का वर्ग होने के कारण हमको 35/2 × 35/2 h बराबर 4/3 × 14 × 14 × 14 ये मान प्राप्त होता है। आगे हल करेंगे। हल करने पर h बराबर 4/3 × 14 × 14 × 14 × 35 × 35 उसके बाद ये बाएं पक्ष के में जो हर में है संख्या वो दाहिने पक्ष के अंश में चले जाएंगे अर्थात 2 × 2 और अंश में प्राप्त होगा 7 × 7 = 7 × 7 = 5 मान प्राप्त होगा एज बराबर
क्योंकि इस बार यहाँ पर बचे 1/3 और है, सामने में गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 1/3 का गुणा है तो 1/3 पाई और पाई कटा था, तो 1/3 गुणित 35/2 का वर्ग गुणित एज, तो 1/3 गुणित 35/2 गुणित 35/2 गुणित एज, और ये 4/3 गुणित ये मान था। इस प्रकार यहाँ पर 4/3 है ये मान और 3 अंश में चला जाएगा, तो ये तीन और ये तीन कटेंगे, इस प्रकार हमको मिलेगा 4×14×2×2×2×2/25। आगे हल करते हैं, सभी का अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो 896 मिलता है और हर में 25, तो इस प्रकार एज बराबर हमको 35.84 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई एच बराबर 35.84 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये इस प्रश्न के उत्तर होंगे। अभी हम ज्ञात किए हैं शंकु की ऊंचाई। एक गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया था और शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था। तो इसके पहले वाले प्रश्न में हमने ज्ञात किया है शंकु की ऊंचाई। इस प्रश्नावली का और एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 25। प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। एक अर्ध गोलाकार पात्र है जिस पर एक खाली सिलेंडर लगा हुआ है। अर्ध गोलाकार पात्र का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा पात्र की कुल ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। पात्र की क्षमता बताइए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं। एक अर्ध गोलाकार पात्र है जिस पर एक खाली सिलेंडर लगा हुआ है। अर्ध गोलाकार पात्र का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा पात्र की कुल ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। पात्र की क्षमता बताइए। तो इस प्रकार एक अर्ध गोलाकार पात्र के ऊपर खाली सिलेंडर रखा हुआ है। खाली सिलेंडर अर्ध गोलाकार पात्र के ऊपर में है तो हम इसकी कुल क्षमता अर्थात कुल धारिता ज्ञात करेंगे और कुल धारिता बराबर होगा इसकी कुल आयतन के बराबर। प्रश्न क्रमांक 25 है। अर्ध
गोलाकार पात्र पर खाली सिलेंडर लगा है। अतः उसके आधार के व्यास उभयनिष्ठ होंगे। तो एक पात्र है अर्ध गोलाकार, उसके ऊपर खाली सिलेंडर लगा है। अतः अर्ध गोलाकार पात्र के व्यास और खाली सिलेंडर के आधार के व्यास बराबर होंगे, अर्थात उभयनिष्ठ होंगे। दिया है अर्ध गोलाकार पात्र का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आर बराबर 10/2 सेंटीमीटर आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको ये आर का मान प्राप्त होगा। अब अर्ध गोलाकार पात्र का व्यास 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो खाली सिलेंडर का त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसलिए खाली सिलेंडर सिलेंडर की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न में दिया है आधार का व्यास उभयनिष्ठ है, इसलिए अर्ध गोलाकार पात्र की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो खाली सिलेंडर की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर होगा। चित्र अनुसार और देखते हैं। चित्रानुसार देखते हैं, ये एक सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है। आधार है जो अर्धवृत्ताकार है,
इस प्रकार ए बी सी डी इस मान को हम ई मान लेते हैं, ये ई और ये आगे और बढ़ाते हैं इस मान को, ए एफ और ये मान होगा ओ। तो इस प्रकार ये नीचे ए बी एफ अर्ध गोलाकार है और ए बी सी डी ये खोखले सिलेंडर हैं, ये खाली सिलेंडर है। तो अर्ध गोलाकार पात्र के ऊपर खाली सिलेंडर को रख दिया गया है। क्योंकि ओ से बी बराबर आर, तो ओ से एफ बराबर भी आर होगा, क्योंकि ये गोलाकार आकृति है और गोलेकार आकृति एक वृत्ताकार होता है, तो केंद्र से परिधि की दूरी समान होती है, इसलिए ओ बी बराबर आर, तो ओ एफ बराबर भी आर होगा। और बी सी सिलेंडर की ऊंचाई है, इसको एज मान लेते हैं, तो ये एज है और ये ओ से एफ आर है, तो ओ बी बराबर आर बराबर ओ एफ। इसी प्रकार बी सी बराबर एच बराबर ओ से ई की दूरी, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ओ बी बराबर आर और ओ एफ बराबर 5 होगा। बी सी बराबर एच है, पात्र की कुल ऊंचाई प्रश्नानुसार पात्र की कुल ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए एच प्लस आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो एच प्लस 5 बराबर 25, तो एच बराबर 20 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, एच बराबर 20 सेंटीमीटर। आगे करते हैं, पात्र की क्षमता बराबर होगा पात्र का आयतन, पात्र की क्षमता बराबर होगा पात्र की आयतन, और पात्र के आयतन बराबर होगा, क्योंकि पात्र दो आकृतियों से मिलकर बना है, एक अर्ध गोलाकार और बेलनाकार, एक सिलेंडर से बना है, तो दो आकृतियों से मिलकर बना है, तो पात्र का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।
की क्षमता बराबर पात्र का आयतन, और पात्र का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। मान रखते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर वर्ग एच प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर त्रिघात। इस सूत्र में मान रखते हैं, आगे हल करेंगे तो आर वर्ग एच बराबर हमको प्राप्त होता है 2/3 आर त्रिघात। तो ये मान हमको मिला पाई, यहाँ पर पाई उभयनिष्ठ आएगा, प्लस है तो पाई और पाई उभयनिष्ठ निकालेंगे, आर वर्ग उभयनिष्ठ निकलेगा, तो ये पाई आर वर्ग बराबर हो जाएगा एच प्लस 2/3 आर। इस प्रकार ये पाई आर वर्ग उभयनिष्ठ निकाले एच प्लस 2/3 आर प्राप्त हुआ। आगे हल करते हैं तो पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 25, यहाँ पर टोटल 5 का आर का मान 5 है, तो 5 का वर्ग 25, इस प्रकार 5 का वर्ग एच का मान 20 प्लस 2/3 गुणी 5। इस प्रकार आर का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आर का वर्ग है इसलिए 5 का वर्ग। एज बराबर 20 प्लस 2/3 गुणित आर का मान 5। आगे हल करते हैं तो 22/7 गुणित 5 का वर्ग 25, फिर 20 प्लस 10/3, इस प्रकार मान प्राप्त होता है। और आगे हल करते हैं तो 22/7 गुणित 25/1, कोष्टक में जो मान है उसको हल करेंगे तो ये हमको मिलता है 70/3। तो इस प्रकार कोष्टक में जो मान है 20 × 10/3, इसको हल करने पर 70/3 प्राप्त होता है। कोष्टक खोलने पर 22/7 गुणित 25/1 गुणित 70/3 कटाते हैं तो मान कट जाएगा 7 × 1 = 7 दाहम। इस प्रकार हमको मिलता है 22 × 25 × 10/3। और आगे हल करते हैं तो 55/3 ये मान प्राप्त होता है। फिर इसको कटाते हैं तो कुल मान हमको 1833.33 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमको पात्र की क्षमता बराबर 1833.33 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये दो पात्र हैं, अर्धगोलाकार और बेलनाकार, दोनों पात्र की क्षमता बराबर हमको 1833 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब क्षेत्रमिति में हमने अभी प्रश्न देखा है तो हमने इस प्रश्न वाले से बहुत प्रश्न हल कर लिए हैं जो संबंधित हैं एक दूसरे के आयतन से। अब इतने अध्ययन के बाद मैं सोचता हूँ आपको प्रश्न
जो हल किया है उससे पूरे समझ आ गया होगा। और क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है उसका हम अंतिम प्रश्न के रूप में अभी हल किए हैं। धन्यवाद बच्चों।